तो जी आपका दिवाली गिफ्ट भी हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ डे इन माय लाइफ व्लॉग। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डे इन माय लाइफ व्लॉग्स किए जाएँ। एंड आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मेरा पूरा दिन कैसे जाता है, हाउ अ यूट्यूबर स्पेंड हिज और हर डे, एक्चुअली इन माय केस इट्स हर डे। तो मेरा पूरा दिन कैसे जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड उससे पहले बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैम प्लीज़ अपना रूम टूर दे दीजिए, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे रूम में एक्चुअली क्या क्या है एंड मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सो दैट्स हाउ माय रूम लुक्स लाइक। ये जो सामने आप फ्रंट में देख रहे हो ये मैंने और दिवेश ने लगाया एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत प्लेन वॉल था और उस पर हमने ये फॉर्म के शीट्स लगाए जो आप देख रहे होंगे। एंड ये पूरा नीचे एक वॉलपेपर है, ये फॉर्म के शीट्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं तो जिससे आवाज़ एको ना हो। ओके, उसके अलावा दिस इज़ आवर बेड, बस सिंपल सा एकदम बहुत ही डिसेंट सा सेटअप है ये हमारा। एंड दिस इज़ अ कॉर्नर दैट आई हैव क्रिएटेड रिसेंटली। यहाँ पे क्या है कि एक बोर्ड है जो कि मेरे नाम का है, मेरा चैनल नहीं आपको पता है सिमरन की है, तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर्स लगाए हुए हैं एंड ये है हमारा स्नेक प्लांट। ओके, उसके अलावा दिवाली की शॉपिंग में फ़िलहाल मैंने ये कुछ लाइट्स खरीदी हैं। सो ये LED लाइट्स हैं, इनमें एक ये वाला कलर है एंड एक ये सिंपल सा है। ये वाली जो लाइट्स हैं मैं जनरली उस वाले पेड पे लगाती थी, बट वो वाली लाइट्स पुरानी ख़राब हो गई थी तो मैंने अभी नई ऑर्डर की हैं। एंड ये ऐसे USB में लगा के आपको चलानी होती है, स्विच नहीं आता डायरेक्टली, तो मैंने यहाँ पे पावर बैंक में लगाई हैं। ये वाली लाइट्स आप शेप के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे भी शेप पे आपको लगानी है। ये एकदम सेटल हो जाती है, एल्यूमिनियम लाइट्स होती हैं ये, मतलब इनका जो वायर होता है दैट इज़ एल्यूमिनियम, तो बहुत आराम से सेट हो जाता है। तो आई रियली लाइक दैट पार्ट अबाउट इट, और जल्दी से ख़राब नहीं होती। इवन मैंने इनको 24 घंटे भी चलाया है, ये फ्यूज़ नहीं होती हैं। सो या दीज आर एक्चुअली माई फेवरेट्स, और वीडियो में बहुत अच्छा यूज़ कर पाती हूँ मैं इनको। सो मैं बॉटल के अंदर डाल रही हूँ। इन लाइट्स की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इन्हें कितनी देर भी जला लो बिल्कुल हीट नहीं होंगी। आपका ये जो ये बाहरी जो मैंने लगाया हुआ है बॉटल बिल्कुल भी हीट नहीं होगा, 24 तक ये चलती हैं और बिल्कुल फ्यूज़ नहीं होती, तो इसलिए मुझे वही लाइट्स बहुत पसंद है। सो आप डेफिनेटली एक बार ट्राई करना, डेकोर के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेट्स प्लग इट इन। सो ये हमारी बॉटल एकदम रेडी हो चुकी है, लगा देती हूँ। एंड यहाँ पे मेरा ये एक लाइट का छोटा सा सेटअप है जो कि वीडियोस में यूज़ हो जाता है। एंड ये कुछ एक्सटेंशन बोर्ड है यहाँ पे, एंड ये एक और प्लांट, क्योंकि ये सारे ही इंडोर प्लांट्स हैं तो मुझे इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 3-4 दिन में पानी दो और धूप दिखाओ और काम हो जाता है। तो मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, अगर आपके घर में प्लांट्स नहीं हैं तो प्लांट्स ज़रूर लगा लें, क्योंकि ये जो मंथ होते हैं ना, तो ये नवंबर दिसंबर अक्टूबर, ये जो 3-4 मंथ हैं इनमें इतना स्मोग होता है एंड इट्स वेरी हार्ड टू ब्रीद एंड आपके लिए हेल्दी भी नहीं है। तो इसलिए प्लांट्स कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स अपने घर में रखें। उसके अलावा व्हाट आई एम यूजिंग राइट नाउ इज़ अ एयर प्योरीफायर, वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा दूसरा साइड है, यहाँ पे एयर प्योरीफायर रखा है, दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड आई थिंक MI का है ये। एंड यहाँ पे मेरी ये बॉटल रखी है एंड ये छोटा सा लैम्प है जो कि मेरी शादी में हमारी एक दी है उन्होंने गिफ्ट किया था। एंड देयर इज अ प्लांट एंड दैट्स इट। और ये मेरे हस्बैंड का सेटअप है एक्चुअली, जहाँ वो एडिटिंग करते हैं। ये वाला पोर्शन ऐसा लगता है देखने में, ये चेयर है एंड सिंपल चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं बहुत डिसेंट सी। कुछ एक दो प्लांट्स रखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, ये वाला तो फेक है एंड वो कॉर्नर वाला भी फेक है, बाकी उसके अलावा रियल है। एंड दिस इज़ आवर सिस्टम जहाँ पे हम एडिटिंग करते हैं, इट्स अ डुअल स्क्रीन सिस्टम। और बस ज़्यादा कुछ फैंसी है नहीं हमारे रूम में। ये मेरा छोटू सा पॉलीरॉइड है, सामने आप देख रहे हो, ये एक्चुअली मैंने अपने वीडियोस के लिए कॉर्नर लिया हुआ है जो कि मेरे हस्बैंड हमेशा डांटते हैं जिसके लिए मुझे। ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ कपड़े टंगे हुए हैं जिनकी वीडियोस मुझे बनानी होती है, तो मैं सारे कपड़े यहाँ पे टांग लेती हूँ। और ये हमारे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था जब उन्हें पता चला था कि आई एम प्रेगनेंट, तो जिससे बुरी ड्रीम्स ना आए, ही गिव मी दिस ड्रीम कैचर। और बस अभी थोड़ी सी दिवाली डेकोरेशन का सामान मैंने रखा हुआ है एंड ये हमारी लाइट्स हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, मतलब सारा सामान है जो कि मुझे वीडियो में यूज़ करना होता है, तो मैंने एक कॉर्नर ले लिया है।
बाकी उसके अलावा जितने वार्डरोब आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, इन सब में मेरा और दिवेश का सामान भरा हुआ है. कैन यू इमेजिन, बस एक मम्मी की ड्रॉर है ये वाली, बाकी ये सब हम दोनों का है. तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सिमरन दी, आप इतने सारे हॉल वीडियोज़ बनाते हो, इतने सारे कपड़े आपके पास होते हैं, तो आप उनका क्या करते हो? सो गाइज, वो सब इन अलमारियों में भरे हुए हैं और बहुत सारे कार्टन्स हैं जो कि मुझे आज खाली करने हैं, जिसमें से कपड़े निकालने हैं. एंड मैं सोच रही हूँ कुछ गिफ्ट कर देती हूँ लोगों को, क्योंकि वो सब सामान नया रखा हुआ है. तो हम दिवाली के लिए कुछ अच्छा सा प्लान कर रहे हैं, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान मेरे पास भरा पड़ा है एंड क्या क्या हम उसमें से क्लटर करने वाले हैं. उसके अलावा ये सारे जो जितने अपने ड्रॉर्स देखे अभी, इन सब में हमारे पहनने के कपड़े हैं. पीछे बेड है वो भी भरा हुआ है, एंड दूसरा बेड है उसमें भी सामान है. सो इट्स हेक्टिक गाइज, सच में बहुत हेक्टिक हो जाता है इतने सारे कपड़े संभालना. और ये हमारा एक और प्लांट है जो कि मैंने इस कॉर्नर में रखा हुआ है, एंड ये है हमारा वॉशरूम. तो बस ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं मेरे रूम में, इसके अलावा कुछ फैंसी हाई फाई नहीं है. बेडशीट, बट मैं यू नो डिफरेंट कलर्स की चेंज करती रहती हूँ वीडियो बैकग्राउंड के लिए. उसके अलावा हम लोग बहुत ऐसे सिंपल सा ऐसे घर है हमारा, ऐसे ही रहते हैं. जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे मेरा दिन स्टार्ट होता है. सो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश. सो गाइज, मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं एंड केमिकल फ्री हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यू आर नॉट अप्लाइंग केमिकल्स ऑन योर स्किन. सो गाइज, मामा अर्थ विटामिन सी फॉर्मिंग फेस वॉश के अंदर आपको टर्मरिक मिलती है, साथ ही साथ में विटामिन सी भी है. सो इस फेस वॉश की सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो ये फोमिंग है, तो आपको बिल्कुल हाथ लगाने की जरूरत नहीं है. ऊपर से ये जो एप्लीकेटर है, इसे बस प्रेस करो एंड ईजिली आप अपना फेस बिल्कुल साफ कर सकते हो. इवन मैंने नोटिस किया है कि मुझे हल्के ब्लैक हेड्स होते हैं, ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते नहीं हैं, तो वो सब इससे निकल जाते हैं, विच आई रियली लव. तो मॉर्निंग में बहुत ही सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको एकदम जगा देता है एंड एक तरीके से हल्की हल्की मसाज होती है आपके फेस की, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, रिंकल्स नहीं आते. आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये बहुत आसान है यूज़ करना. सो गाइज, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी फेस मिल्क, जिसके अंदर है पीच एंड विटामिन सी. विटामिन सी अगेन आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करती है, साथ ही साथ जो पीच होता है वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है, सो दैट योर स्किन कैन बिकम ब्राइटर एंड ग्लोई. ऑल्सो गाइज, सिंपल से रूटीन के बाद मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी करती हूँ, स्पेशली नेक स्ट्रेचिंग, वो बहुत ज़रूरी होती है. इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर ब्लड फ्लो, तो उससे आपकी स्किन भी इंप्रूव होती है, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ भी अच्छा होता है, एंड ये मुझे बैक पेन में भी काफ़ी हेल्प करती है. एंड जैसे कि आप देख सकते हो मेरी स्किन बहुत क्लीन लग रही होगी आपको, इट्स वेरी नाइस एंड क्लीन. तो मुझे ये फेस वॉश और स्पेशली ये फेस मिल्क जो है वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत मॉइस्चराइजिंग है. अभी विंटर्स में आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. सो दिस इज द फेस वॉश दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ. आफ्टर अप्लाइंग दैट मॉइस्चराइजर माय स्किन इज वेरी शाइनी एंड सॉफ्ट, सच में बहुत सॉफ्ट हो गई है. एंड सबसे अच्छी बात है कि इट्स एन इंडियन ब्रांड, इट्स पेटा सर्टिफाइड. तो जो विटामिन सी भी होती है ना, वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से इन्हांस करती है. इट हेल्प्स इन क्लीनिंग, इट हेल्प्स इन ग्लोइंग. सो मैं डेफिनेटली ये वाला फेस वॉश आपको रिकमेंड करूंगी. सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगती है, इसकी पैकेजिंग, मतलब जो बेसिकली इसका जो ब्रश है ना, इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट. मैंने इतना कन्वीनियंट फेस वॉश कभी यूज़ नहीं किया. पहले जनरली बेसन से मैंने फेस वॉश करती थी जनरली, बट अब तब से मैंने यूज़ किया है, आई फील सो गुड. माई स्किन इज ग्लोइंग, इट्स वेरी सॉफ्ट, इट्स लिटिल ब्राइटेड देन बिफोर. तो या आई डेफिनेटली रिकमेंड यू. ये दोनों प्रोडक्ट आपको Amazon, Purple और Flipkart सारी वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं. तो यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड विच इज Nikki20 टू गेट 20% ऑफ ऑन योर ऑर्डर. सो डू चेक दैट आउट इन द डिस्क्रिप्शन, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे. ओके, तो आप में से बहुत लोग पूछते थे कि कोई अच्छा फेस वॉश बताओ. सो दिस इज द बेस्ट फेस वॉश आई हैव कम अक्रॉस, क्योंकि मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा. तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, एक एप्पल भी खा लिया है, और अब मैं सोच रही हूँ कि सारा सामान इकट्ठा करके देखते हैं कि किसको क्या 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 देना और क्या क्या एक्स्ट्रा सामान भरा हुआ है. सो आप देखोगे भी मेरे पास कितना ज़्यादा सामान है गाइज. सो गाइज, ये अभी सारा सामान नहीं है, अभी मैं सिर्फ दो बॉक्सेस उठा के लाई हूँ और देखती हूँ इनमें से क्या निकलता है. देन आई एम गोना फिक्स रेस्ट ऑफ द स्टफ. लेट्स स्टार्ट, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है ना, तो यूट्यूबर्स के पास आपको बहुत सामान मिलेगा. सो गाइस, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ यूट्यूबर्स कि आपके पास इतना सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, स्पेशली पीआर का, कि आपको समझ नहीं आता आप कहाँ रखें, किसको कितना सामान देते. मैं इतना सामान लोगों को दे चुकी हूँ, फिर भी इतना सारा सामान ऑलरेडी पेंडिंग है मेरे पास. आई डोंट नो कैसे कैसे करूंगी, बट लेट्स सी हाउ इट गोस. तो सबसे पहले छोटे वाला से स्टार्ट करते हैं, इट्स बेटर. ओ जी, हमारे पास सबसे पहले है, ओके, तो इट्स अ कुर्ता.
तो ये कुर्ता मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी, दैट टू डू। एंड ये थोड़ा छोटा साइज है, सो दिस इज अ वेरी प्रिटी कुर्ता। कुछ कपड़े आपका देने का मन नहीं करता है किसी को, तो ये उनमें से एक है। तो लेट्स सी कि क्या होता है इन सबका। मे बी ये मैं अपनी मासी की बेटी को गिफ्ट कर दूँ, बिकॉज मैंने ये सिर्फ वीडियो के लिए ही पहना है अभी तक, तो उसके काम आ जाएगा। एंड दिस इज अ प्लाजो अगेन फ्रॉम अजियो। ओके, तो फिर दुपट्टा निकल के आया है सूट का, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है इसमें। ओके, यहाँ पर ये एक साड़ी है जो वेरी प्रिटी साड़ी इन कलर व्हाइट, और उस पर पूरे पे एम्ब्रॉयडरी है। सो आई एम थिंकिंग कि क्यों ना गिव अवे किया जाए, बिकॉज मैं इतने सारे कपड़े नहीं संभाल सकती खुद से, तो लेट्स मेक इट अ दिवाली गिफ्ट फॉर यू गाइज। तो ये जो प्यारी सी साड़ी है, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड आई गेस सिया फैशन। तो जी, आपका दिवाली गिफ्ट भी हो गया, अभी जरा ये सब सेटल कर लें थोड़ा सा। अभी मुझे कुछ और लगेगा इस सामान में से, तो मे बी आई विल प्लान अ गिव अवे, वन मोर गिव अवे फॉर यू गाइज, बिकॉज दो तीन गिफ्ट हम प्लान कर सकते हैं। जुत्तीज हैं, जुत्तीज तो मेरे काम आ जाएंगी। वी हैव ज्वेलरी सेट्स ऑल्सो, बहुत सारा सामान है गाइस। इसमें छोटे छोटे इयररिंग्स हैं, झुमकीज हैं, जो भी गिफ्ट के काम आएंगी। और वी हैव अ वेरी प्रिटी नेकलेस सेट ऑल्सो, ये नेकलेस है और ये इयररिंग्स हैं। लेट्स गिव इट अवे कि आप इसे कैसे स्टाइल करने वाले हो। एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके बताना है। And you'll also be getting this necklace from Sukhi. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितना मैस है, कितने कपड़े हैं, और अब ये सिर्फ आधे कपड़े हैं, आधे कपड़े अलमारी के अंदर भरे हुए हैं। एंड दैट वाज माय प्लान फॉर दिवाली, तो मैं यही सोच रही हूँ फिलहाल। अभी मैं अकेली हूँ तो मेरे पास इतना टाइम है कि ये सब चीज़ें मैं अच्छे से क्लटर कर पाऊँ, किसको क्या देना है, कैसे देना है। तो इस दिवाली अगर आपके पास भी कुछ एक्स्ट्रा ऐसा पड़ा हुआ है जो आप यूज़ नहीं करते, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो आपने खरीदी थोड़े दिन यूज़ करी और रखी हुई हैं, तो बाहर जो बच्चे होते हैं या फिर जो लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, आप उन्हें जाके वो दिवाली पे गिफ्ट कर सकते हो। आपके लिए वो चीज़ें यूज़फुल नहीं है, बट उनके लिए दैट इज गोइंग टू बी देयर दिवाली गिफ्ट। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी, जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हो वो किसी में बांट दो, बहुत हेल्प हो जाती है यार। पता है हम लोग को ऐसा लगता है, लेकिन हम बहुत हेल्प कर देते हैं किसी की, क्योंकि कुछ चीज़ जो हमारे लिए मायने नहीं रखती किसी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ऑल्सो गाइज, मैंने एक और चीज़ महसूस की है कि तब से मैं प्रेगनेंट हुई हूँ, सो आई हैव लाइक डिफरेंट फीलिंग्स इन माई माइंड, बहुत अलग फीलिंग्स हो गई हैं, मैं बहुत अलग तरीके से सोचने लगी हूँ। लाइक वो मदरहुड वाली फीलिंग है ना, वो आपको पहले से ही आने लगती है, ऐसे इंट्यूशंस, अजीब सी फीलिंग्स, इमोशंस, तो बस वही सब मैं फील कर रही हूँ। एंड लाइक बहुत चेंजेस देखे हैं मैंने अपने अंदर इस छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में, इन 6 महीनों में। एंड मे बी आगे आने वाले टाइम में आई विल बी अ बेटर पर्सन। तो आई थिंक बच्चा आपकी लाइफ को बहुत बदल देता है, आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल, सेंसिबल बना देता है। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। एंड गिव अवे के लिए मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको साड़ी दे रही हूँ एंड वी हैव अ ज्वेलरी टू। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिंपली सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है, साथ ही साथ मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप कैसे स्टाइल करने वाले हो उन पीसेस को, एंड जो स्टाइलिंग आइडिया मुझे सबसे बेटर लगेगा उसको मैं ये दूंगी। तो ये बिना से मैं दिवाली के आसपास अनाउंस कर दूंगी, एंड यू विल गोइंग टू गेट योर दिवाली गिफ्ट्स। एंड yeah, सुपर एक्साइटेड, आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड टू। और ये था आज का सिंपल सा वीडियो, जिसमें मैंने आपको रूम टूर दिखाया, थोड़ा सा स्किन केयर दिखाया, एंड गिव अवे वी आर ऑल्सो प्लानिंग, एंड जितना मेरे पास सामान है वो भी दिखाया आपको, बहुत सारा है, कैसे इकट्ठा हो जाता है। रियलिटी बता दी यूट्यूबर्स के पास इतना सामान कैसे होता है और क्यों होता है और वो क्या करते हैं उसका,
बस ये था आज का वीडियो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। अगर आप और ब्लॉग वीडियोस देखना चाहते हो, डू लेट मी नो अगर आप कुछ वैसे कुकिंग टाइप ऑफ वीडियोस देखना चाहते हो, बिकॉज एक्चुअली मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है। आई जस्ट कीप ऑन शूटिंग वीडियोस क्योंकि बहुत काम हो जाता है। ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया कि इतना सारा सामान इकट्ठा हो चुका है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वीडियो में शूट करनी होती हैं, बट काम तो करना पड़ता है। बस ये थी सिंपल सी वीडियो, जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, बस बाय।